काफ़ी सारे जो इंडियन फाइटर्स है वो भी वन में आना चाहते हैं, अपने आप को उधर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मुझे इसमें चांस मिला है तो मैं काफ़ी अपना बेस्ट दूंगी। मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता, फिर नेक्स्ट उसके बाद फिर से इंटरनेशनल, फिर मैंने उसमें मेडल लाया, फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है बल्गेरिया में हुआ था जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें मेरा मेडल आया था ब्रॉन्ज। साल में दो साल में एक बार होता है तो उसमें वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आना। तो वो इंडिया के इधर से सिर्फ एक अकेला मेरा ही मेडल आया था। मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल में मेडल लाना बहुत इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे वन चैम्पियनशिप में आकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जिसमें अपने आप को प्रूव कर सकते हैं इधर अपना स्किल्स वगैरह जो भी है, बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ इंडियन फाइटर्स में भी कुछ बात है। MMA एक काफ़ी अच्छा मार्शल आर्ट है, इससे काफ़ी सारे जो यंग फाइटर्स है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके साइड, जो लड़कियां हैं खासकर इंडिया की वो काफ़ी हो रही है, क्योंकि उसमें इंडिया में सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। MMA काफ़ी सारे जो लड़कियां हैं अकेले सर्वाइव करती हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से बाहर जाकर, उनको उसमें अगर एक सेल्फ डिफेंस उनको सीखते हैं तो उनको एक अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं अगर इस कंडीशन में रहूँगी तो मैं इससे ऐसे निकल सकती हूँ। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इंडिया की लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस जो भी है मिक्स मार्शल आर्ट ट्राई करें। काफ़ी प्राउड हूँ क्योंकि इंडिया से कोई प्लेयर फीमेल फाइटर वो भी इतना अच्छे प्लेटफॉर्म में आकर इतनी अच्छी फाइटर के साथ फाइट करके